तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका स्वागत है फूडी संसार चैनल पे। आज हम आए डी 12 की मार्केट में क्विक टेस्टी बाइट्स पे। यहाँ मिलते हैं सूजी के मोमो, सूजी का पास्ता, सूजी का ही सब कुछ, सभी कुछ सूजी का, कुछ भी यहाँ मैदे का नहीं रहने वाला है। अगर आप एक जिम फ्रीक कि आपको होता है कि भाई ये सब नहीं खाना वरना मोटे हो जाएंगे, इस चीज का गम नहीं होगा कि आपको अगर आप यहाँ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलने वाला है सूजी का। सो चलते हैं अभी अंदर, इनके मोमोज ट्राई करते हैं, इनका पिज्जा ट्राई करते हैं, इनका पास्ता ट्राई करते हैं। तो अब हमारे वेरी स्पेशल जिंगी पार्सल की मेकिंग हो रही है। आप सोच रहे होंगे ये जिंगी पार्सल में ऐसा स्पेशल क्या है। देखिए, जिंगी पार्सल तो आपने डोमिनोज में भी खाया होगा और भी बहुत जगह खाया होगा, बट ये जो जिंगी पार्सल है ये है सूजी का जिंगी पार्सल। दोस्तों, आप यहाँ आकर खाने का ही आनंद नहीं, आप लोग यहाँ आकर 1,00,000 रुपए भी जीत सकते हैं, वो जानते हैं एक बारी मैडम से। अगर कोई 1% भी मैदा प्रूफ कर दे तो 1,00,000 का इनाम है उसके लिए। हमारे जिंगी पार्सल को अच्छा देखने के लिए लगाया जाएगा उस पे मूल बटर और साथ ही साथ इस पे डाली जाएगी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरी आइटम की तरफ, वो रहने वाला है फार्म हाउस पिज्जा, जिसकी कॉस्ट रहने वाली है 140 रुपीज। और ये भी दोस्तों आप लोगों ने डोमिनोज पिज्जा हट का खाया होगा, बट जैसा कि ये क्विक टेस्टी बाइट्स का तो इसमें मैदा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी रहने वाला है सूजी का फार्म हाउस पिज्जा और वो भी एकदम फ्रेशली प्रिपेयर होगा, आपकी आंखों के सामने प्रिपेयर होगा। उसमें जाएगी पिज्जा पास्ता सॉसेज और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स जो फार्म हाउस पिज्जा में डलती है, जैसे कि कॉर्न, कैप्सिकम, और इसमें डाला जाएगा ढेर सारा चीज और साथ ही साथ इसमें डाली जाएगी ढेर सारी प्रकार की वेजिटेबल्स लाइक अनियन, टमाटोस, कैप्सिकम एंड कॉर्न। और उसके बाद भी इसमें डाला जाएगा ढेर सारा चीज और साथ ही साथ इसमें डाले जाएंगे ऑलिव्स, जिससे साथ ही साथ ये दिखने में भी और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों, अब हमारी मेकिंग होने जा रही है कुल्लड़ पास्ता की। अगर आप पंजाब या अमृतसर में रहते होगे, वहाँ के लोगों के लिए कुल्लड़ पास्ता तो कॉमन है क्योंकि बहुत सारी जगह पे वहाँ अवेलेबल रहता है, बट दिल्ली के अंदर फिर रोहिणी के अंदर कुल्लड़ पास्ता बहुत कम जगह मिलता है। मैंने तो ये रोहिणी के अंदर पहली बार देखा है कहीं कुल्लड़ पास्ता मिल रहा हूं। और इसकी भी मेकिंग काफी ज्यादा यूनिक है। इसमें पहले तो पास्ता की प्रिपरेशन करी जाती है काफी ज्यादा सॉसेस के साथ। और एक और बात आप इधर यूनिक देखेंगे, बट इस वीडियो में वो चीज कॉमन है कि यहाँ जो पास्ता है वो भी सूजी का है। थोड़ा शॉकिंग है कि पास्ता भी सूजी का है, बट इट्स ट्रुथ कि ये पास्ता भी सूजी का है, जिससे ये पास्ता भी काफी ज्यादा हेल्दियर हो चुका है। इसको हेल्दियर वर्जन ऑफ पास्ता नहीं कहूंगा बिकॉज इसमें बहुत सारी सॉसेज और चीज डाला गया। अब इस पास्ता को निकाला जाएगा और अब डाला जाएगा इसको कुल्लड़ में। यही दोस्तों बात नहीं खत्म होती, इसके ऊपर भी डाला जाएगा चीज और अब इस पूरे कुल्लड़ को डाला जाएगा ओवन में बेक करने के लिए। जो भी बंदा दिल्ली में मोमोज खाता है वो तो मोमोज का दीवाना बन जाता है और वो हो जाता है फिर थोड़ा गोलू मोलू। अगर आप नहीं होना चाहते हो गोलू मोलू तो आप आ सकते हो क्विक टेस्टी बाइट पे। यहाँ के मोमोज आपको गोलू मोलू नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भी रहने वाले सूजी के मोमोज। अब हमारे मोमोज तो बनके तैयार है, अब हम आपको इन सबका रिव्यू देते हैं और एक बार यहाँ के करता धरता से बात करते हैं, शॉप की टाइमिंग जानते हैं और तो और आपको यहाँ आकर क्या क्या अवेलेबल हो सकता है वो भी जानते हैं। जैसे कि कोई भी होता है बिजनेसमैन तो वो क्या करते हैं कि पहले खुद पे वो स्ट्रगल होता है कि आप भी मैदे के मोमोज खा खा के परेशान हो गए थे तभी सूजी के। हाँ जी, हमारे बच्चे मोमोज बहुत कितनी वेराइटीज होंगी आपके पास? हमारे पास में मतलब मोमोज में भी 8-10 वराइटी के मोमोज नहीं है हमारे पास में। पिज्जा में है 6-7-5 वराइटी एंड पास्ता में 3-4 है, बर्गर है, रैप है, सैंडविचेस है, शेक्स है, मॉकटेल्स है, मतलब इटालियन में सब कुछ है। बट मैदे का नहीं है वो सूजी का। एक बार ये अपनी टाइमिंग बता दीजिए। 3 to 9:30 मंडे क्लोज। ओके, मंडे क्लोज है। यस, ये जी बिल्कुल। और आप एक बार अपनी लास्ट लोकेशन बताइए। लोकेशन ये सेक्टर 7 D12 की मार्केट है, मेन D12 की मार्केट में गर्ल्स स्वीट है, वहाँ से आप अंदर आएंगे और थोड़ा अंदर आके ना एक हौसला फैशन है उसके बिल्कुल सामने गली आ रही है उसमें। तो दोस्तों अब हमारे पास आ चुका है जिंगी पार्सल। ये आप डोमिनोज का जिंगी पार्सल नहीं, ये है क्विक टेस्टी बाइट्स का जो है D12 की मार्केट में सेक्टर 7 में उनका जिंगी पार्सल है, जो ये सूजी का जिंगी पार्सल है, मैदे का जिंगी पार्सल नहीं। इसी के आप साथ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पिज्जा, फार्म हाउस पिज्जा, जिसकी कॉस्ट रहने वाली है 140 रुपीज। आप देख सकते कितना ज्यादा अमेजिंग क्रिस्पी सा पिज्जा है ये हमारा, इस पे फुल चीज हो रखा है और काफी ज्यादा सब्जियां डाली गई है, उस पे ऑलिव्स भी डाले गए हैं और थोड़ा सा ही साइड में आएंगे इसी के साथ मिल जाएगी एकदम यूनिक चीज। ये हमारा कुल्लड़ पास्ता जिसमें आप देखेंगे चीज ही चीज है, ऊपर काफी ज्यादा डेकोरेशन के एकदम 10 में से 10 नंबर और नीचे है पास्ता हमारे।
सो इसको भी टेस्ट करेंगे। अगर आप इन तीनों चीजों को छोड़ेंगे, आप हमारे साइड में आते हैं हमारे पनीर मोमोज, जो है हमारे सूजी के पनीर मोमोज, सो इनका भी टेस्ट करेंगे, इनके साथ क्रीम चटनी है। तो अब हमारी चारों पांचों चीजों का टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे है इनके टेस्ट में। प्राइसिंग आपको बता दें, मेकिंग आपने देख लिया, अब इसका टेस्ट देखते हैं। पहले अब हम टेस्ट करते हैं हमारे पिज्जा को। मतलब चीज की मात्रा भी भरपूर है और इसमें सब्जियां वब्जियां फूल डाल दी गई है और फार्म हाउस पिज्जा रहने वाला है, जिसकी कॉस्ट रहने वाली है 140 रुपीज। सो इसको ट्राई करता है और आपको बता दें कि कैसा ये टेस्ट। आप नीचे से देख सकते हैं फुली बेक्ड है, ऐसा नहीं कि सूजी का है तो गंदा होगा या ऐसा आपके टेस्ट में। अब वो टेस्ट करते हैं, एक बार बताते क्या ये जो मैदे का जो पिज्जा सबने खाया उसका टेस्ट तो सबको पता अमेजिंग होता है, तो इसको टेस्ट करते हैं, बताते क्या क्या इसमें टेस्ट में कोई कमी तो नहीं है। सो ट्राई करते हैं। ये पक्का मैदे का नहीं है क्योंकि टेस्ट में एकदम ही मैदे का लग रहा है, बट ये इन्होंने बोला है कि सूजी है। बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जीते 1,00,000 रुपए तो इसको और इसमें बता दो कि इसमें मैदा है। अगर आपने बता दिया कि इसमें मैदा है तो आपको मिलेंगे 1,00,000 रुपए। बट ये जो 1,00,000 रुपए मिलने नहीं है क्योंकि इसमें मैदा है ही नहीं, ये बना पूरे के पूरे सूजी से है। सो इसको टेस्ट में मैं 10 में से 11 दूंगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, काफी ज्यादा चीज और काफी ज्यादा वेजिटेबल्स है। अब हमारी बढ़ते हैं सेकंड चीज के ऊपर, जो हमारे पनीर मोमोज। ये भी मैदा नहीं है, सूजी है और इसमें पनीर की अच्छे से स्टफिंग हो रखी है, काफी ज्यादा छोटे छोटे ग्रेनुल्स में पनीर को रखा गया। अगर आप भी एक जिम रैट हो तो आपको एक रिग्रेट नहीं रहने वाला है कि भाई अब मोमोज खा लिया, पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया, जब मेरे को जिम जाना पड़ेगा, जिम में जाके फुल बर्नआउट करना पड़ेगा, अपना वेट लूज करना पड़ेगा, इससे वेट नहीं बढ़ेगा। सूजी है ये, काफी ज्यादा लाइटर फॉर्म रहता है। एक बार सिद्धार्थ जी अब आप आइए और इसको बताइए कुल्लड़ पिज्जा कैसा है और जिंगी पार्सल फ्रॉम क्विक टेस्टी बाइट्स। बारी अब हमारे कुल्लड़ पास्ता की, अभी बस देखिए कितनी ज्यादा शफिंग है और चीज ही चीज भाई, ये देखिए इसका टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। भाई आपको लग रहा होगा इसके अंदर चीज है पर नहीं, ये देखिए पास्ता भी है इसके अंदर, जो टेस्ट है इसका बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है पास्ता वाला। ये हमने मिक्स सॉस पास्ता करवाया था, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप इसको व्हाइट सॉस भी करवा सकते हैं और रेड सॉस भी करवा सकते हैं। जो पास्ता है इनका, आप सोच रहे हैं कि मैदे का होगा, नहीं ये भी सूजी का है भाई, हर आइटम सूजी की है, हर आइटम इसके अंदर जो ऑलिव्स मसाले जितने भी डाले हैं इसके अंदर, बहुत अमेजिंग ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है। और जो कुल्लड़ के अंदर डाल के एक जो मिट्टी का टेस्ट आता है ना थोड़ा थोड़ा, वो भी इसके अंदर सारे, जैसे कुल्लड़ चाय पीते हैं उसके अंदर से भी मिट्टी का टेस्ट आता है, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं अपना जिंगी पार्सल। जिंगी पार्सल देख के बिल्कुल डोमिनोज की जिंगी पार्सल की टेस्ट की याद आ गई, बिल्कुल सेम शेप, बिल्कुल सेम साइज, सब सेम बनता है, बस एक डिफरेंस है, जो डोमिनोज वाला होता है वो मैदे का होता है और ये सूजी का है। ये हाँ जी, ये भी सूजी का है। इसको टेस्ट करते हैं कैसा है, बिल्कुल तंदूरी पनीर लग रहा है इसके अंदर, इसके अंदर मैरिनेशन के सॉसेस की। जिंगी पार्सल में पनीर वनीर बिल्कुल सब फ्रेश है, बस इसमें थोड़ी सी सॉसेस की कमी लगी, सॉसेस के अंदर बहुत से सॉसेस के अंदर होती तो बिल्कुल डोमिनोज वाला ऑथेंटिक टेस्ट देता है भाई। तो चलिए अब यहीं तक थी हमारी वीडियो, हम भी अब खाने का जायका लेते हैं। और अगर आपको भी इस चीज़ का जायका लेना है, सूजी का पास्ता, सूजी का पिज्ज़ा, सूजी के मोमोज, सूजी का जिंगी पार्सल भी खाना है, तो आपको D12 की सेक्टर 7 में मार्केट में आना पड़ेगा क्विक टेस्टी बाइट्स पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।